फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी। आई वेलकम यू चाणक्य डिफेंस ग्रुप यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव अवर साइंस क्लास। दिस क्लास फॉर ऑल सैनिक स्कूल, RIMC, RMS एंड JNV स्कूल। सो टुडे साइंस क्लास वी हैव अ टॉपिक व्हिच इज मैग्नेट। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज मैग्नेट, या आप सभी उससे कभी ना कभी फैमिलियर हुए होंगे। मैग्नेट क्या होता है? तो बेसिकली जो मैग्नेट है, ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? बेसिकली मैग्नेट इज अ मिनरल विच इज फाउंड इन द टाउन ऑफ मैग्नीशिया, जहाँ पे हमें ड्यूरिंग माइनिंग वी फाइंड अ मिनरल विच इज वी कंसीडर एज मैग्नेट। और मैग्नेट ऐसी क्यों थी, क्यों इसको मैग्नेट का नाम दिया गया, वी विल डिस्कस दिस इन दिस क्लास ऑफ टूडे। सो मैग्नेट से आपको कुछ एक थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि मैग्नेट क्या होता है। बेसिकली मैग्नेट एक ऐसा मटीरियल है या फिर ऐसा मिनरल है जिसमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है बाकी सभी मिनरल से। ऐसे ही प्रॉपर्टीज इसमें फाइंड आउट हुई थी, दैट मैग्नेट इज अ मटीरियल विच कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस। कोई भी मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। वी हैव डिस्कस दिस कि इस ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है उन पार्टिकल्स में, उन सब्सटेंसेस में जो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ मिनरल विच इज मेड अप ऑफ मैग्नीशिया। So we call it magnet. Magnet ऐसी एक चीज है and having poles, like एक ऐसा कोई material है जिसके two ends हैं, one end we call north and other end we call south. We have give this name to the material and we call that material magnet. और क्यों magnet हम इसे बोलते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को कट कर दे अगेन इन टू पीसेस, लाइक आई हैव कट दिस मैग्नेट इन टू टू पीसेस लाइक दिस, दिस टू पीसेस अगेन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अ मैग्नेट विच कैन अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन। सो अगेन ये क्या करेगा, हैविंग टू एंड्स लाइक दिस एंड दिस एंड इज अगेन नॉर्थ एंड साउथ। तो जो मैग्नेट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन पोल्स, उसके हमेशा कोई ना कोई पोल होगा, कोई लाइक दिस। अगर ये नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, अगेन दिस इज नॉर्थ तो ये साउथ। अगर हम इसको शफल करें, इफ वी सेड दिस इज साउथ, तो हमेशा ये होगा कि जो दूसरा पोल है दैट इज नॉर्थ and the next one also is like this. कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि शफल करने पे दोनों पोल सेम होंगे। This is never happen in any magnet. तो magnet जब भी pieces में कट की जाएगी तो it will having poles, और poles जो है वो हमेशा ही opposite exist करेंगे। और magnet की क्या properties है that we are going to know, that magnet always exists in pole and magnet will attract the opposite pole. If we have this magnet और हमारे पास एक और magnet है, जब भी ऐसे opposite pole होंगे, the one is south, the other is north, it will get attract toward each other. वो दोनों कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के पास आए। सो वी कॉल द ऑपोजिट पोल्स जब भी होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। और सेम अगर मान लो ये दोनों के दोनों सेम हैं, लाइक दिस हैविंग नॉर्थ हैविंग साउथ एंड द अनदर, जो हमारे पास मैग्नेट है उसका ये वाला जो पोल है वो साउथ है और ये वाला नॉर्थ है, तो ये दोनों साइड्स हैविंग सेम पोल, लाइक दिस इज आल्सो हैविंग साउथ, दिस इज आल्सो हैविंग साउथ। जब अब ये सेम है, जब तो वो ऑपोजिट थे वो अट्रैक्ट कर रहे, बट जब सेम होंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे।
means when there is same pole in the same end, दोनों ends पे same pole है, तो वो हमेशा एक दूसरे को repel करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे. These are the properties we have found in magnet. And same thing, और हमें क्या पता चला कि whenever we substituted a magnet with a thread, मतलब जब भी हमने किसी magnet को ऐसे किसी थ्रेड के साथ हैंग किया है, लाइक हैविंग नोड एंड सम, तो ये जो है मैग्नेट, इट विल बिहेव लाइक दिस एंड ये अपने आप को ऐसे ही सब्सटेंड कर लेती है जैसे अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है. दिस विल अट्रैक्ट लाइक दिस, दिस विल अट्रैक्ट बाय द ऑपोजिट पोल ऑफ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो हमें हमेशा ही पता चल रहा है कि जब भी ऑपोजिट पोल होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. तो ये अपने आप को स्टैंड भी ऐसे करेगा, लाइक ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो सेम थिंग हैपन कि जब भी वो ऐसे हम कहीं पे भी हैंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे सस्टेंड हो जाएंगे जैसे ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी जो हमने किसमें फाइंड आउट करी है मैग्नेट में, इन सभी चीजों से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेट एक अलग मटेरियल है जो हमें फाउंड हुआ हमारे नेचर से, जो कि बाकी सब चीजों से अलग है. लाइक जैसे हमारे आयरन वगैरह है जो भी हमें हमारे नेचर से मिले, मैग्नेट और आयरन हमें नेचर से ही मिला है. मैग्नेट इज ऑल्सो आयरन, बट इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से मैग्नेट को आयरन से अलग रखा गया, इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज है ये मैग्नेट को अलग बनाती है. मुझे होप है कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो यू विल ज्वाइन अवर नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस.